मांगा करते थे, हो तुमको ही
बेशर्मी की भी कोई हद होती है। सॉरी आंटी, कसूर अनु का नहीं, कसूर मेरा है। ना मैं दुपट्टा लेकर आता, ना हम उन यादों में खो जाते जिन्होंने हमें मजबूर किया है दोबारा जन्म लेने पर। चलता हूं अनु, सॉरी सर। अमर, अमर, अनु, अमर। आई एम सॉरी अनु, मुझे आना ही आना चाहिए था। मेरे यहाँ आने से ये तूफान उठा है। ना आते तो इससे भी बड़ा तूफान उठता। रिलैक्स नाउ, चल चलो, आई विल सी यू ऑफ। देखा, लग गई ना आग, और बुलाओ इसे। खुद तो गया ही, साथ में तुम्हारी लाडली को भी ले गया। पड़ गई ना कलेजे में ठंडक। अरे मैं तो पहले ही कह रही थी कि इससे पहले कि पुनर्जन्म का प्रेत हमारा गला पकड़े यहाँ से निकल चलो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। बहन जी, आपने तो उन्हें आज जाना है, आज उनका प्यार देखा है। हमने तो पिछला एक जन्म इसी तरह एक दूसरे के प्यार में तड़पते हुए देखा है। जिसे मालिक ने मिलाया उसे हम अलग करने वाले कौन होते हैं। चौधराइन, उसे मैंने जन्म दिया है, पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है। मुझसे ज्यादा उसका भला और कौन सोच सकता है। मेम साहब, गुस्ताखी की माफी चाहूंगा, छोटा मुंह बड़ी बात। मालकिन ने बिल्कुल ठीक कहा है, मेरी बेटी ने बहुत दुख झेले हैं। खून के आंसू रोई है मेरी शब्बो, खून के आंसू रोई है। उसे वो खुशी बख्श दीजिए जो उसे पिछले जन्म में भी नसीब नहीं हुई थी। रुकावट मत बनिए उसके रास्ते की, रुकावट मत बनिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, उसके रास्ते की रुकावट मत बनिए। चलो। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक्स फॉर कॉलिंग। आई लव यू। आई लव यू टू। अनु, तुम्हारे साथ जितना भी वक्त कटे कम। ओके, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट लव। ए, अब क्या है? जाने का मन नहीं कर रहा। क्यों? बस नहीं कर रहा। थोड़े दिनों की तो बात है, अब तो सबको पता चल ही गया। अब जाने दो ना मुझे, पार्टी में सब लोग वेट कर रहे हैं। छोड़ो ना। अभी अमित, तुमने रख तो ली तस्वीर हमारी, पर यूं ना हो कि जिस तरह मौसम बदलता है तुमको भी देखूं रंग बदलते हुए। रात बहुत हो गई अमित, सो जाओ, गुड नाइट। अरे नींद कैसे आएगी? आज के दिन सोचा था कि नशा ऐसा चढ़ेगा कि उम्र भर नहीं उतरेगा, मगर हुआ यूं कि हम पीते गए और हमारे होश हवास होश में आते गए। क्यों इतनी ज्यादा पी ली तुमने? क्यों और क्या का हिसाब करने लगूंगा तो बहुत भारी पड़ेगा आपको। कहां से आ रही हो? मैं अमर को सी ऑफ करने गई थी। क्या रिश्ता है तुम्हारा उस अजनबी के साथ? अमित, इस वक्त तुम अपने होश में नहीं हो, इस बारे में हम कल भी बात कर सकते हैं। कल तक तो जी नहीं पाऊंगा मैं, मुझे इसका जवाब अभी चाहिए, अभी, इसी वक्त, इसी पल। तुम तो नहीं पाओगे। जब दिल और आंखें तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी पर एक ज्वालामुखी का लावा बर्दाश्त कर सकती है अन्नू, तो तुम्हारी दिल की सच्चाई क्यों नहीं? सुनना चाहते हो तो सुनो। याद है उस दिन मैंने तुम्हें एक कहानी सुनाई थी? उस कहानी का पहला कैरेक्टर है अमर, दूसरी मैं, तीसरे तुम। वो कहानी नहीं, हम तीनों की जिंदगी की सच्चाई है। मुझे उस तीसरे की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है अनु, मुझे मतलब है तो तुमसे। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई क्या है। जानना चाहते हो तो जान लो, मेरे दिल की सच्चाई ये है, मैं उसे प्यार करती हूं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता अनु, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम मेरे प्यार को इस तरह बेवजह ठोकर नहीं मार सकती। ये ठोकर बेवजह नहीं है, अमर और मैं पिछले जन्म के बिछड़े हुए प्रेमी हैं। यहाँ आकर जब मैंने उसे देखा तो मुझे सब कुछ याद आया, पुराना घर, वो बस्ती और पिछले जन्म का बापू। सब बकवास है, all is trash। होश मैं नहीं, होश तुम खो बैठी अनु। तुम्हारे सामने खड़ी जिंदगी की सच्चाई को भूलकर
ना जाने किन जन्मों की बात कर रही हो तुम। इस जन्म में मेरा साथ निभाने की कसमें खाकर आज बदल गई हो तुम। बदली मैं आज नहीं, ये एहसास ना जाने मुझे कब से था। याद है कितनी बार तुम्ही ने मुझसे कहा था कि कहाँ खो जाती हो तुम, और मैं कहा करती थी कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा घर कहीं और है, मेरे माँ बाप कोई और हैं, और जैसे जैसे मैं तुमसे नहीं किसी और के साथ बंधी हूँ, और वो कोई और नहीं अमर था। वो अमर की ही पुकार थी जो मुझे बुला रही थी, मेरे खोए हुए प्यार की पुकार, अमर यानी शालू जो बिछड़ गया था मुझसे पिछले जन्म में, लेकिन किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया है इस जन्म में। पिछले जन्म की झोली में कुछ डालने के लिए तुम्हें इस जन्म की खुशियां चुराने का कोई हक नहीं। लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये सब किस्मत का खेल है। अरे किस्मत के नाम की चक्की को घुमाकर चल तो दिया आप, और पिसने के लिए छोड़ दिया मुझे। अपने अरमान सजा कर अपनी दुनिया तो सजा ली, लेकिन आग मुझे बसने के लिए छोड़ दिया मुझे। अनु, किसी के अरमानों के साथ खेलना अच्छा नहीं है अनु, किसी के दिल को तोड़ना अच्छा नहीं है। कट गई ना नाक, सारे मेहमान एक एक करके चले गए और वो भी बिना खाना खाए। अब आप यहाँ चहलकदमी क्या कर रहे हैं, जाकर देखिए ना, 10 मिनट हो गए उनको नीचे गए हुए। क्या हुआ अनु? वही जो होना था, मैंने कहा था ना डैडी कि त्रिकोण के जिस कोने की किस्मत में टूटना लिखा होगा वो अपने आप टूट जाएगा, और आज त्रिकोण का वो एक कोना टूट गया। क्या मतलब? अमित को मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया है, और फिर एक दिन इस सच्चाई का कड़वा घूट उसे पीना ही था। मैं देखती हूँ उसे। रुको रीटा, अमित को इस सच्चाई का सामना खुद ही करने दो। जिंदगी भर तो तुम उसके आंसू पहुंच नहीं सकती, मेरे हिसाब से उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। सुनना चाहते हो तो सुनो, मेरे दिल की सच्चाई ये है कि मैं अमर से प्यार करती हूँ। I love him. No, no. ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अनु मेरी है, अनु ने मुझसे प्यार किया है, वो किसी और की नहीं हो सकती, वो किसी और की नहीं हो सकती। हकीकत ये है कि वो किसी और की है, वो अमर से प्यार करती है। She loves him. अनु के बगैर जीना मैं सोच भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। ये क्या कर रहे हो अमित, पागल हो गए हो क्या? तुमने आत्महत्या कर ली तो अमर के लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। जिस तरह अमर ने अन्नु को तुमसे छीना है, तुम भी अन्नु को अमर से छीन लो, छीन लो, छीन लो। हाँ। मैं अन्नु को अमर की कभी नहीं होने दूंगा, मैं अन्नु को अमर की कभी नहीं होने दूंगा। अनु, कौन तुम? मुझसे दूर मत जा। कल रात जो हुआ मैं वो सब कुछ एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहता हूँ। मुझे अमर का इंतजार है अमित, तुम चले जाओ यहाँ से। कैसे चले जाऊँ, मेरी जिंदगी का तार तार तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। वो तार तार अब टूट चुका है अमित, और अब तुम तो सब कुछ जान ही चुके हो कि मैं किसके लिए जी रही हूँ और किसके लिए हूँ। तुम किसी की नहीं हो अनु, सिर्फ मेरी हो, मेरी। हम दोनों एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, और मरते दम तक एक दूसरे के लिए जिएंगे। हमारे बचपन का प्यार एक मिट्टी का खिलौना नहीं, जो जवानी की बौछार पड़ते ही टूट गया। अब कुछ नहीं हो सकता अमित, अच्छा है तुम मुझे भूल जाओ। भूल जाओ? कैसे भूल जाओ? प्यार करके भूल जाना इतना आसान नहीं है अनु। क्या तुम इस झरने से कह सकती हो कि वो बहना भूल जाए? इन हवाओं से कह सकती हो कि वो चलना भूल जाए? इन फूलों से कह सकती हो कि वो खिलना भूल जाए? नहीं अनु, नहीं।
जब ये सब अपना स्वभाव नहीं भूल सकते तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती अमित, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ, मैं अमर की हूँ, अमर की रहूंगी, हमेशा रहूंगी। तुम इतनी आसानी से मेरे हाथों से निकल नहीं सकती अनु। अगर तुम अपने दिल के हाथों मजबूर हो तो मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अमित, तुम हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हो। मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ कि अगर तुमने अनु को छूने की कोशिश की या उस पर बड़ी नजर डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तू कौन होता है हम दोनों के बीच में बोलने वाला? मैंने अनु से सच्चा प्यार किया है, वो मेरी है, और जन्म जन्म का कोई भी प्यार मेरे प्यार के आसमान से ऊंचा नहीं हो सकता। अरे किस प्यार की बात कर रहे हो तुम, जिसके लिए बचपन से लेकर जवानी तक का सफर तय किया है। लेकिन मैंने अपने प्यार को पाने के लिए एक नहीं दो दो जन्मों का सफर तय किया है। ये जन्मों का सफर, ये जन्मों का प्यार सब ढोंग है तुम्हारा। मेरी अनु को बहकाया है तुमने। अरे किसी ने किसी को नहीं बहकाया है, ये तो कुदरत हम तीनों के साथ खिलवाड़ खेल रही है। न पिछले जन्म में हमारा प्यार टूटकर अधूरा रह जाता, न इस जन्म में तुम अनु का प्यार लेकर जवान होते। ये एक ऐसी शतरंज की बाजी है जो हम में से किसी ने नहीं बिछाई है। अगर ये शतरंज की बाजी हम में से किसी ने नहीं बिछाई तो मैं पूछता हूँ उस कुदरत से कि मात मेरी ही क्यों हो, हार मेरी ही क्यों होगी? इसमें हार और जीत का सवाल ही नहीं उठता। तुम ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करते अमित कि मुझे मेरी खोई हुई मोहब्बत मिली है हमेशा हमेशा के लिए। हाँ अमित, अब उम्र भर के लिए मैं अमर की ही रहूंगी। इस तरह से मेरी मंजिल का रास्ता सिर्फ अमर के घर तक जाता है। और हम उस घर की चार दीवारी को तोड़ देंगे, लेकिन तुमको अपने आप से जुदा नहीं होने देंगे। मजबूर कर देंगे तुम्हें ये कहने के लिए कि तुम अपने पिछले जन्म के साथी को भूलकर अपने बचपन के दोस्त को अपना लो। नहीं अमित, नहीं। अनु के दिल और आत्मा की सिर्फ एक ही आवाज है, उसकी सांसों पर मेरा नाम लिखा है, उसके प्यार पर सिर्फ मेरा हक। नहीं, अनु पर तेरा नहीं, सिर्फ मेरा हक है। अमित, मैंने दोस्त के नाते तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लगता है तू दोस्ती की भाषा नहीं समझेगा। एक तो शाडू है, ये दूसरा कौन है? कोई भी हो हमें क्या, राणा को लेके आता हूँ टोपी घुमा के। हाँ आज रात उसका काम तमाम हो जाना चाहिए। राणा, राणा, क्या हुआ? बारी भैया का खूनी एक आदमी के साथ लड़ रहा है, उसे खत्म करने का इससे अच्छा मौका हमारे हाथ फिर नहीं लगने वाला। टोपी घुमा के। कहाँ है वो? अरे भाई, झरने वाली पहाड़ी पे। ठीक है, हमें रात होने का इंतजार भी नहीं करना पड़ा, चलो चलो टोपी घुमा के। अरे मैंने यहाँ ही देखा था, इसी पुल के ऊपर, इसी झरने के नीचे एक शहरी बाबू से लड़ रहा था टोपी घुमा के। मगर गया किधर? ये कौन है? हाँ यही है, यही है, इसी के साथ लड़ रहा था टोपी घुमा के। ओ तुम पर हमला करने वाला किधर गया? भाग गया। लेकिन तुम लोग कौन हो? हम दुश्मन हैं उसकी जान के, पर तेरा उससे 36 का आंकड़ा क्यों है? मेरी महबूबा को छीन कर ले गया है वो, किसी पिछले जन्म का चक्कर चलाकर। पिछले जन्म का चक्कर तो सच है बाबू, ये शालू है पिछले जन्म का, जिसने मेरे बनवारी भैया का खून किया था,
मेरे चाचा का घर उजाड़ा था। अब की बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। एक से भले दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अन्नू को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। तो समझो काम हो गया। शालू की मौत के बाद बनवारी भैया की रूह को चैन मिल जाएगा और तुम्हारे रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। हमारी बेटी की शादी वहीं होगी जहां उसकी खुशी हो। सुनो, इससे पहले कि अमित को एक गुल खिलाए, मैं तो कहती हूँ आज ही बंबई वापस चलो और अनु और अमर की शादी जल्द से जल्द कर दे। मम्मी, चौधरीन कह रही थी हम पर जो श्राप पिछले जन्म से लगा हुआ है वो तभी टूटेगा जब हमारी शादी उसी हवेली में होगी जहाँ पिछले जन्म में हम दोनों की बर्बादी हुई थी। अगर उनका यही विश्वास है बेटी, तो हम कल सुबह चलकर चौधरायन से बात करेंगे। हाँ चौधरायन, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जिस लड़के पर हमें इतना नाज था उसने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और जिसको हम लोग पराया समझते थे वही हमारा अपना निकला। इसीलिए हमने फैसला कर लिया है कि ऊपर वाले ने जो जन्म जन्म का रिश्ता तय कर रखा है वही सही है, वही सच्चाई है। हम अनु की शादी अमर से करने जा रहे हैं। वाह साहब, ये हुई ना बात। यकीन कीजिए साहब, ये खबर सुनते ही सारे गांव वाले खुशी से पागल हो उठेंगे। अरे राणा, अरे राणा, क्या हुआ? अरे मैं अपने इन कानों से सुन के आया हूँ टोपी घुमा के कि शब्बो और शालू की शादी चौधरायन की हवेली में हो रही है। चलो, बिल्ली के भाग का चीका ही टूट गया, अब तो घर का ही मामला है। उधर उसकी शादी की तैयारियां होने दो और इधर उसकी बर्बादी की। अरे ओ जीतू, दुल्हन का जोड़ा तैयार हुआ कि नहीं? बस मालकिन अभी तैयार कर देती हूँ। केदारनाथ ने 20 साल से इस जोड़े को संभाल कर रखा है, अगर कोई गोटा या तारा टूट गया हो तो उसे अच्छी तरह से टाक देना। जी। कल शादी कर रहा है तुम्हारा लाडला, तार देकर बुलाया है जैसे आने वाले 10 सालों में शादी का दूसरा मुहूर्त नहीं निकलने वाला। अपने आप को इतना बड़ा समझने लगा, शादी तय कर ली और हम लोगों से पूछा तक नहीं। आप तो खामखा गुस्सा कर रहे हैं। अरे बुलाया तो था उसने, आप ही को जाने की फुर्सत नहीं मिली। अब भी जल्दी कीजिए, प्लेन निकल गया तो इकलौते बेटे की शादी देखने भी नसीब नहीं होगी। मालिक मालिक, आतिशबाजी कहाँ लगानी है? मेरे सर पर लगानी है। अबे कुत्ते के दुम, इतना बड़ा मैदान पड़ा है और तुझे दिखाई नहीं देता है? अबे सुन। जी मालिक। पटाखे लाया? जी मालिक। जरा एक फोड़ के तो दिखा। कहाँ फोड़ूं मालिक? मेरे सर पर फोड़ दे। फोड़ता हूँ मालिक। मालिक, कितनी प्यारी प्यारी बहू है हमारी। बहन जी, ये तो हमारी खुशकिस्मती है, कितनी सुंदर सी बेटी हमारी घर की शोभा बन के आ रही है। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त से पहले हमने अमर को पहचान लिया। अब इन दोनों की जन्म जन्म की मुराद हम पूरी करने जा रहे हैं। मम्मी, मैं खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। अच्छा। अरे बैठो बेटी, इसकी जरूरत नहीं। तुम्हें तो मैं पल भर के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। तुम्हारा हर सुझाव, तुम्हारी हर तरकीब सब मिट्टी में मिलने वाला। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ मेरा कोई नहीं, सब मेरे दुश्मन। तुम और आंटी, जिन पर मैंने इतना भरोसा किया, ये झरना, ये पहाड़ जो मेरी अन्नू को खींच कर यहाँ तक ले आए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? कल मेरी अन्नू की शादी, वो जिंदगी भर के लिए मुझसे बिछड़ जाए। अमर को मारने के लिए तो तुम्हारे पास एक उम्र पड़ी, लेकिन एक बार अन्नू मेरी बाहों से निकलकर चली गई तो चली गई। मेरे लिए तो ये आखिरी रात, आखिरी रात। इसी आखिरी रात में सब कुछ होगा बाबू, इसी आखिरी रात में। हौसला रख, जब लोहा गर्म हो तो ही वार करने में मजा आता है। आज की रात ऐसा बारूद फटेगा जिसमें हमारा दुश्मन जलकर राख हो जाएगा और कल सुबह वो तुम्हारी छोकरी अपनी मांग में सिंदूर तुम्हारे नाम का भरे। तुम्हारी पसंद पसंद आई बेटे। थैंक्स डैड। मैं तो पहले से ही कहती थी अमर बेटा कभी गलत कदम नहीं उठाएगा। तुम्ही को खोट नजर आती थी मेरे बेटे में। बस बहुत हो गया, शगुन की बात कीजिए, शादी की शुभ घड़ी है। बाकी सब तो शुभ है, बस एक ही बात की कमी है कि शादी धूमधाम से और अपने बिरादरी के लोगों में नहीं हो सकी। तो क्या हुआ मॉम, रिसेप्शन धूमधाम से दिल्ली में कर लेंगे, बस शादी हवेली में हो जाने दीजिए। आज बरसों बाद इस हवेली ने रोशनी देखी है। 20 साल से लगे हुए श्राप से
ये कल मुक्त हो जाएगी। आज आधी रात को 3 आदमी मेरे साथ जाएंगे शालू का गला काटने के लिए, और 3 आदमी इसके साथ जाएंगे हवेली में शब्बो को उठाने के लिए। वहां तुम्हारी मदद करेगी हवेली की नौकरानी हमारी जीतो। जैसे ही उसने हवेली के दरवाजों की कुंडियां खोलनी शुरू की, वैसे ही हमारे शहरी बाबू की किस्मत खुलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रहे, मेरी अन्नू को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी, ख्याल रखना यारो, शहरी बाबू की नाजुक चीज को खरोच ना आने पाए। टोपी घुमा के चलो चलो। Cheers! For your wedding tomorrow. Like that. तुम्हारी जिंदगी भर के खुशी के लिए। Cheers! Thank you, mom. और मेरी होने वाली भाभी के लिए। क्या बोलता है? रोज शाम 5 बजे के इंतजार के लिए। Cheers! Yay! प्रीति बेटे, खाना लगा दो। बहुत भूख लग रही है। रुकिए ना अंकल, प्लीज। अभी तुमने शुरू किया क्यों? हाँ। और इतनी जल्दी भी क्या है आंटी? बेटे जल्दी ना सही, सफर की थकान तो है। हाँ, थकावट बहुत हो गई। और फिर सवेरे इसकी शादी का काज भी निभाना है। हाँ। बेटी कम से कम हम लोगों का खाना लगा दो। ओके आंटी। बहुत अच्छा, बढ़िया खाना बनाया। अच्छा बेटे, गुड नाइट। गुड नाइट डैड। गुड नाइट। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट मॉम। अब तुम लोग भी जल्दी से खाना खा के सो जाओ। अमर, कल तुम्हारी शादी है। हाँ हाँ आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग इसके बाद पैकअप कर लेंगे। क्यों? हाँ पैकअप। कम ऑन। गुड नाइट। लेट देम इन। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके। अमर, खाने के पहले 2-2 और हो जाए। अरे नहीं यार, अब तो बॉटल भी खत्म हो गई है। अरे फिक्र ना, अंदर और है, अब भी लाया। बस बस बहुत हो गया। 2-2 और पिएंगे। अच्छा 2-2 नहीं, 1-1 और। हाँ, एक एक प्रीति, एक एक। हाँ अच्छा चलो ले आओ, पर एक एक से ज्यादा नहीं। हाँ नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ओके आपको आखिर पा ही लिया ना, अब सिर्फ 1 रात का फासला रह गया है, उसके बाद आप और हम हमेशा हमेशा के लिए 1 हो जाएंगे। ठहरो, अनु को कुछ नहीं होना चाहिए। दुश्मनी है मेरी तुमसे? कौन हो तुम? राणा, राणा नाम है मेरा, उस बनवारी का चचेरा भाई जिसका पिछले जन्म में तूने खून किया था, उस खून का बदला अब लूंगा मैं। बाकी रही तेरी छमिया, उसे मेरे साथ ही हवेली से उठा के ले गए होंगे अमित के पास। राणा चीख मत, अपने तीसरे जन्म की तैयारी कर ले, वो भी अकेले।
क्योंकि उसे हम मरने नहीं देंगे और तुम्हें हम जीने नहीं देंगे। खबरदार, कोई हिले नहीं वरना गोली मार दूंगी। अमर, मैं इन कमीनों को रोकती हूँ, इससे पहले वो जाकर अनु को उठा ले, तुम जाकर रोक लो उन्हें। खबरदार, कोई हिले नहीं वरना गोली मार दूंगी सबको। शाबाश खुशिया, तू इस लड़की को पकड़ के रख, मैं दुश्मन को संभालता हूँ। चलो, कौन नहीं आती? क्या हुआ बेटी, अमर किधर है? प्यारे प्यारे बेटा, क्या हुआ प्यारे? क्या हुआ, कहाँ गए, कहाँ गए वो लोग? कौन लोग मुझे नहीं मालूम। अमर किधर है? अमर हवेली गया है, अनु को बचा। तुम एक काम करो, पुलिस को खबर करो, हम लोग हवेली जाते हैं। कम ऑन, कम इन। चलो जल्दी। कमीने, अमर, अमर, अमर। अमर हो या शालू, मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनने वाला जिंदा नहीं बचेगा। जो मर के जी उठे उन्हें मौत का क्या डर? हमारी मोहब्बत को तो मौत नहीं मिटा सकी, तो तू क्या मिटाएगा? जा अपनी जिंदगी की दुहाई दे, क्योंकि तेरी बंदूक के इशारे पे खड़ी मौत मेरा नहीं तेरा इंतजार कर रही है। छोड़ दे मेरा रास्ता, या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। मेरी जिंदगी की मंजिल मेरे सामने खड़ी है और तू कहता है कि मैं रास्ता छोड़ दूं? ना, ऊपर वाला इतना संगदिल नहीं कि दो प्यार करने वाले दिलों को फिर से जुदा कर दे। छोड़ कभी नहीं। रुक जाओ शहरी बाबू, हम अपने मेहमान की बहुत इज्जत करते हैं, उस पे हाथ नहीं उठाते, लेकिन अगर तू मेरी शब्बो और शालू के प्यार के बीच में आएगा तो मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा। मैं अपने हाथ तेरे खून से नहीं रंगना चाहता, हम पहाड़ियों का नाम बदनाम हो जाएगा। चला जा यहाँ से। मार के बट फाड़ दे बुटे की छाती को। मैं आज अपने दुश्मनों को छोड़ूंगा नहीं। अनु मेरी है, मेरे बचपन की दोस्त है, मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है, और तू हम दोनों के बीच में आ गया कमीने। बीच में मैं नहीं, बीच में तू आया है। अनु मेरे जन्म जन्म का प्यार है, अनु मेरी जिंदगी है, अनु मेरी किस्मत है, अनु मेरी सब कुछ है। अगर किसी ने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुलिस आ गई, भागो, बंद करो ये सब, पकड़ो सबको, कोई भागने ना पाए। हवलदार जल्दी। अमर बेटे, अमर, अमर, अनु, अनु, पकड़ो इन बदमाशों को, पकड़ो इसको, चल। प्यार करने वाले प्यार को प्यार से ही जीता करते हैं। एक बचपन के दोस्त से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना गिर सकता है। जब दिल टूटता है ना, तो एक ज्वालामुखी फटता है, और उसका अलावा कहां कहां गिरता है ये उसको भी पता नहीं होता। जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, कि कभी मेरे प्यार में नहीं थी, उसकी मर्जी, जिसकी वजह से मैं प्यार की हर बाजी हारता रहा, हर मोड़ पर शिकस्त खाता रहा, और आज उसके लिखे के आ गया, मैं हार गया, मैं हार। अनु,
अनु गुं हवामहे ओम प्रियनांत्वा प्रियपति गुं हवामहे ओम निधिनांत्वा निधिपति गुं हवामहे ओम नमः स्वाहा ओम वसुमं आजम जानी गर्भधम स्वाहा मात्रम जासी गर्भगम ओम तदेव लग्नम सूचिनम तदेवम ताराबलम चंद्रबलम च विद्याबलम देवबलम च देव बापू पीछे अकेले बैठे हैं पिछले जन्म में हमारी शादी नहीं कर पाए प्लीज उन्हें पास बुला लो प्लीज डैडी अच्छा ओम विश्वधारम गगन शेतम मेघवर्णम शुभागम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम केदारनाथ जी हां जी चलकर बेटी का कन्यादान कीजिए नहीं नहीं बाबू जी ये शुभ काम तो आप ही कीजिए आइए आइए उस पर सबसे पहला हक आपका है आइए हे ईश्वर आइए हे ईश्वर ओम वसुमम गर्भधम मात्रम जासी गर्भगम स्वाहा ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्री प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च स्वाहा ओम सर्वोभय नमः स्वाहा केदारनाथ जी कन्यादान कीजिए जी दूर रह गए अक्सर दुआ